लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या भाई, क्या मास्टर, बैंड का बंद कर दी? अबे दिल वाले आए हैं दुल्हनिया ले जाने के लिए, बजाओ बजाओ सालो। वर और वधु की गांठ बंधवाइए और वर को बोलिए वधु से अलग हो जाइए, वधु को ले जाने उसके साधन आए हैं। क्यों आए हो यहाँ, क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? वचन, वचन दिए थे ना तुम्हें कि तुम्हारी लौंडिया को मंडप से ले जाएंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हट जा बड़ो। दादाजी, अरे हत्या का पाप चढ़ा रहा है। छोड़ो से, छोड़ो। ओए, माला जपे हम, पर माला डालोगे तुम, रात में आओ क्या? छोड़ो, चलो छोड़ो हमारा हाथ। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। कोई साला बीच में आया तो इधर ही जलिया वाला बाग बना देंगे। छोड़ो हमें दादाजी। आओ रानी, आओ। छोड़ो, छोड़ो। अरे देखो भैया, देखो कौन आए हैं। आप सबकी फरमाइश पे बदरिया थाने से चुलबुल पांडे, सुपर कॉप, टिंग टोंग। पांडे, तुम्हें पता है हम कौन है? हम बच्चा भैया के भाई हैं। हुकूमत चलती है उनकी इस शहर पे। यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। तुम्हारे जैसे जो थानेदार है ना, वो हमरे तबेले में भैंसे नहलाते हैं ऐसे ऐसे करके। लगता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें ठीक ढंग से नहीं समझा। आह, गलती हमरी है, हमरी है। हम थोड़ा नरमी से पेश आए उनसे। जब लगाते ना दो चार लप्पड़ तो सही मैसेज पहुंचता तुम तक। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। अरे यार, वो बेचारे अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। तुम काहे अपनी चिता जलाने का दुख देना चाहते हो? पांडे, लौंडिया तो हम लेकर जाएंगे और तुम्हारे सामने लेकर जाएंगे। अब दबा दें घोड़ा। करते हो यार गेंदा, हमारे बाप को लपड़ मारोगे, लड़की को मंडप से उठा ले जाओगे। थाना है, पुलिस है, हम हैं, क्या प्राप्त हुआ? शादी मुबारक हो। धन्यवाद। आते हैं। अब आपको कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा संभाल के बात करनी चाहिए। आखिर ये लोग दिन रात हमारे लिए काम करते हैं तो हमसे कुछ उम्मीद भी रखते हैं। बच्चा सिंह, राजनीतिक जीवन में सुख दुख किनारे रख के सोचना पड़ता है। अच्छा, भाई की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और हम यहाँ बैठक में भाग लेने चले आए, और क्या करें? और वो साला चुच्चा कार्यकर्ता पांडे का गुणगान कर रहा था। बच्चा सिंह, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सत्ता के गलियारे में तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछ रहा है। बोई हुई फसल काटने के दिन आ गए हैं तुम्हारे, इस समय संभालो खुद को। तो क्या करें? मीडिया को बुलाकर पांडे की कार्रवाई की प्रशंसा करें और अपने उस भाई को लुच्चा लफंगा कमीना बताएं और ये बोले कि जो कुछ उसने शर्मनाक काम किया है उसके साथ यही होना चाहिए था। ये बोले, यही बोलो मीडिया के सामने, यही बोलो। मैं इस घटना में पुलिस कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।
अगर कोई गुंडा एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो उसका हाल यही होना चाहिए था। फिर भले ही वो किसी एमपी और एमएलए और सीएम का बेटा हो, वो मेरा भाई था, ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसका मतलब आप पांडे जी को सही ठहरा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं पांडे को इस कार्रवाई के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आप ये बयान अपने राजनीतिक फायदे के लिए तो नहीं दे रहे हैं? बचा भैया। हाँ राजनीतिक फायदा नहीं है ये मेरा, अपनी आत्मा की शांति के लिए कर रहा हूँ। धन्यवाद, जाइए। पांडे, कुछ दिनों का इंतजार और, एक बार इलेक्शन हो जाए ना, उसके बाद तुम्हारे अकाउंट का ठीक से हिसाब होगा। हम आपको एक फ्री फंड की एडवाइस दें, हम हमारा बीमा करा चुके हैं, आप भी करा लीजिए। आप भी चौबे जी, मरने के बाद भी काम आओगे। जी सर। वैसे क्या कर रहे थे? दो कंटाप सर। ये खेल अब हमारी समझ से बाहर हो रहा है। एक मामूली सा थानेदार हमारे भाई को मार देता है और हम उसके सम्मान में कसीदे पढ़ते हैं। अगर राजनीतिक प्रसाद के लिए यही पूजा अर्चना करनी है ना, तो ये हमसे नहीं होगा, नहीं होगा हमसे। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे और हम कह भी क्या सकते हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों परेशान नजर आ रहे हो? क्या बताएं पापा, हमारे बाबा हमारे सपने में आए थे। क्या बोले? बोले कुछ नहीं, बस लठ लेकर आपको दौड़ाए जा रहे थे और पिटम गए। तुम क्यों पिटे? आपके सपोर्ट में बीच में जो आ गए, वैसे हम खुश हैं कि आप बच गए। अब आप किस सोच में पड़ गए? हमारा कभी सपना था कि तुम हमें इज्जत दो, और आज सपनों में भी तुम हमें इज्जत दे रहे हो। प्रभु का धन्यवाद। आई लव यू पापा। ये 5 किलो आटा हो गया, और कुछ बचता? 5 लीटर शक्कर भी तो बोले थे। 5 लीटर हमारे यहाँ शक्कर लीटर के हिसाब से नहीं, किलो के हिसाब से मिलती है। लगता है पत्नी अभी तक आई नहीं है, उन्हीं की याद में डूबे हुए हो। अब हम वो नहीं सोचते, अब हम सोचते कि जंगल से कौन लौटा। जंगल हिसाब में लिख लेना। सुनो, हनुमान जी को दिया जलाना, सारी पनौती जंगल चली जाएगी। ये किसका बैग है भाभी? हाँ? कौन आया है? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी बुआ की बेटी आ रही है, शोभा। अच्छा अच्छा, भाभी बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ हाँ, बैठो बैठो। शोभा जी। दीदी, इसे कुछ खाने को दे दो प्लीज। भाभी एक मिनट, ये आपकी बुआ की बेटी की शक्ल निर्मला से मिलती है ना? शोभा नहीं नहीं, निर्मला का रंग दबा दबा है और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं। हाँ अच्छा, महीने से हाल खबर नहीं लिए हो, दिल कहीं और लगा लियो का? कोठे पर जाते हो निर्मला?
भैया दरवाजा खोलो, भैया भैया दरवाजा खोलो। अबे तुझे कैसे पता चला कि अभी आंख लगी थी? भैया दरवाजा खोलो, भैया भैया बको। भैया जंगल से हम लौटे, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया अभी। गुड नाइट। पापा को बताया कि नहीं? गुड नाइट पापा। ये दो दिन के लिए आने का क्या मतलब? ये तो हमको परेशान करने वाली बात होगी। और ये टीचर की ट्रेनिंग से क्या होगा? ट्रेनिंग करके मैं नौकरी करूंगी और कमाऊंगी। कल हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर, ये सब हमें तो देखना है ना। इसके लिए हम है ना। तो हमने कब कहा कि तुम नहीं हो? हम चाहते हैं कि तुम हमें सिर्फ प्यार करो, काम हम करेंगे। अपना ख्याल रखना। ठीक है। वैसे हमारा काम लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना है, लेकिन हम तुम्हें हॉस्पिटल खुद ले जाएंगे। एक काम करो, MMS के द्वारा एक धांसू तस्वीर भेज दो तुम्हारी। हाँ हाँ। अच्छा रखते हैं, मक्खियाँ थाने में उड़ते हुए चले आए हैं। जरा ढंग से पेश आना उससे। जी जी जी। भैया हम भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, पुलिस में नौकरी करके आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं। क्या क्या? जरा फिर से दोहराना। पुलिस में नौकरी करके आपकी तरह नाम कमाना चाहते हैं, कुछ करिए हमारे लिए। मक्खी पुलिस की नौकरी में चुस्ती फुर्ती हौसला जज्बात और अकल की बहुत जरूरत होती है। ये सब हमें बहुत है सर, आप सिर्फ मौका दीजिए। मक्खन प्रजापति पांडे आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। ठीक है, फिर आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। हम तिवारी जी से कह देंगे कि तुम्हें वर्क डिसिप्लिन सिखा देंगे। यस सर। सैल्यूट कॉमरेड मक्खी। समझ गए तिवारी जी? जी सर, सबसे पहले DIG लेवल तक की जानकारी दिलवाएंगे, फिर कैंप भिजवाएंगे। शाबाश तिवारी जी। मक्खी यही तो था, कहाँ उड़ गया? पूरा नाम बोलो। रामसुख पासी। पिता का नाम? गंगाराम पासी। वारदात की जगह बताओ। बाबूपुरवा। वारदात का समय? सुबह करीब 10 से 11 के बीच। साहब कुछ तो कीजिए। किसी पर शक? साहब हम तो सबसे प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं, पता नहीं कैसे हो गया ये सब कुछ। सर मक्खी भैया तो कोई चश्मदीद गवाह। मखन चंद प्रजापति पांडे बन गए, वाह मजा आ गया। किसी पे शक? मखन चंद प्रजापति पांडे। यस सर। आज रात का कोई खास प्लान? कुछ नहीं सर। बड़े भाई के साथ उधम मचाओगे? ठीक है भैया। दीजिए गमन करें। हाँ ये पोस्टर ठीक है, सिर्फ ये चुनाव चिन्ह लगाओ, जाओ। जी। अरे पैसा हमारे जेब में नहीं, पार्टी को जा रहा है। रकम भिजवा देना शाम को। ए चुन्नी तू अस्थि विसर्जन में नहीं गया? भैया वो कल जुलूस है ना, चाचू को भेज दिया है। चाचू? गेंदा तेरा भाई था भाई। आपका भाई नहीं था वो? आप कौन सा फर्ज अदा कर दिया भाई होने का? मुंह में गंगा जल डाल दिया, चिता को आग दे दी, बस निप गया आपका फर्ज? भैया आप हमको बहुत प्यार दुलार से पाले, हमने आज तक कभी पिताजी को याद नहीं किया, लेकिन आज बहुत याद आ रही है उनकी। आज अगर पिताजी होते ना तो पांडे जिंदा नहीं होता।
बच्चा सिंह, ये चल क्या रहा है? अगले हफ्ते हाई कमांड का दौरा है, हमारी कोई तैयारी नहीं। कल के बैठक में भी तुम नहीं आए। काम काज नहीं संभल रहा है तो छोड़ दो कुर्सी, इस्तीफा दे दो, जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए। इस्तीफा? उसमें तो काफी टाइम लगेगा, लिखाई फिर पढ़ाई, मैटर का सोचना पड़ेगा। इससे काम चलेगा? रज्जो डट के लंच कर लेना, हमें लेट हो जाएगा, रात का डिनर साथ करेंगे। सुनिए, काम पर बाद में चले जाना, पहले मुझे मंदिर ले चलिए, दर्शन करना है। मक्खी ले जाएगा तुम्हें मंदिर? मक्खी से शादी नहीं किए हम, जब देखो कहते हो मक्खी के साथ चली जाओ। ओहो हो हो, अगर बीवी के लिए वक्त नहीं था तो शादी क्यों की? जबरन में ख्वार खा रही हो आप, चलो ले चलते हैं आपको। रहने दीजिए, हम चले जाएंगे मक्खी के साथ। अच्छा सिद्दीकी साहब। जी सर। लंच के बाद आएंगे हम, आपकी भाभी जज्बाती हो गई है, लंबा चौड़ा डोज देनी है हमें। समझ गया सर। रखते हैं, चलो। अरे चलो। सुनिए, पति है आप हमारे। अफलातून? गुलाम नहीं। अरे वाह, बहुत ही चौचक परफॉर्मेंस दी हो आप। अगर हमारी कोई जिद से आपके काम को नुकसान पहुंचे तो डांट दिया कीजिए। चलिए छुट्टा कीजिए, दीजिए। बहुत काम है हमें। जल्दी से कर देना भगवान। चले, क्या मांगा भगवान से? हमने कहा कि हमें जल्दी से चाचू बना दो। अच्छा, और भगवान ने क्या कहा? कि जितना वक्त लगता है उतना ही लगेगा। अच्छा, तो छोटे चुलबुल पांडे की चर्चा हो रही है। मक्खी भैया, छोड़ मुझे, छोड़। हमारा हाथ काट के खुद का वंश बढ़ा रहे हैं। हाथ मत लगाना बच्चा भैया, आपी को हाथ मत लगाना। पांडे जी, आपकी पत्नी ने खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। बधाई हो। इसे कहते हैं पक्की वसूली, मुद्दल में भाई और ब्याज में बच्चा। हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए, सॉरी। उस शैतान ने हमारे बच्चे को मार दिया, हमें बहुत दुख हुआ पांडे जी। बच्चा सिंह का हिसाब ऐसा करना कि उसे पता चले उसने क्या नुकसान किया है
और किसका नुकसान किया है। हम तुमसे वादा करते हैं रज्जो कि आज के बाद बच्चा भैया और पार्टी कभी बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। आज तुम्हें एहसास होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों नहीं होना चाहिए था। बच्चा भैया हम तो कह रहे हैं टंटा फिलहाल टाल देते हैं। ये पांडे बहुत खतरनाक है बच्चा भैया, इसे थोड़ा समय लेके कायदे से लपेट लेके किसी दिन। हमें देख के तुम्हें लगता है कि पांडे की मौत कुछ दिन और टल सकती है? आज ही होगा, आज ही होना है सब कुछ। आप ठीक कह रहे हैं, सब कुछ आज ही होना है, हमारी आत्मा भी यही कह रही है। हाँ। आज ही पांडे का वध भी होगा और इसी घाट पे संस्कार भी करेंगे साले का। कटपिस की तरह काटेंगे भैया, कटपिस की तरह, इतना छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे लंगोट भी न सिल पाए। भैया आप बैठिए ना आराम से और देखिए तमाशा पांडे की मौत का। आज ऐसी गति होगी उसकी, वो सोचेगा कि हम इस दुनिया में आए का है, और आए तो ठीक पर बच्चा भैया से टकराए का है। क्यों पांडे जी, लगी तो नहीं? इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो, हम भगवान को थैंक यू बोल के आते।
इतने धार्मिक आदमी को तो भगवान के पास पहुंचाना बनता। उतना ही मारो जितना के खुद बर्दाश्त कर सको। सुना नहीं, हम तुम्हारे भाई से का कह रहे थे। काहे दे रहे हैं पांडे जी, जिंदा रहेंगे तो चर्चा में रहेंगे, हमारा कानून चर्चा में रहेगा। वो क्या है कि दबाव बना रहना चाहिए। चलिए आइए, हथकड़ी हथकड़ी पर आओ, चलिए पहनाइए गहना इनको। जल्दी चलते हैं, खातिरदारी करते हैं इनकी। ए पांडे, ये सब कुछ दिनों के लिए है, वापस आने वाला हूं, फिर एक एक करके सब कुछ छीन लूंगा तुझसे। मौत का नंगा नाच होगा, नंगा नाच, ये बच्चा का वादा है। बच्चे से याद आया हमें, बच्चा तुमने हमारी पत्नी को बहुत दुख दिया है। क्या पांडे जी, छींचा लेदर मचा दिए आप। अरे बताना तो चाहिए था टिकट काटने से पहले। सुना नहीं क्या कह रहे थे ये, अब इन्हीं में उलझे रहें, कोई दूसरा काम नहीं करें। आगे चलकर किसी से भिड़ना है तो किसी और से भिड़ेंगे, उसे भी मजा आएगा और हमें भी। सिद्दीकी साहब धन्यवाद। थैंक यू सर। अबे तुम में इतने छेद किसने कर दिए, हमने तो नहीं किए। इनका काम तो बच्चा सिंह ने कर दिया साहब। जय हिंद। आ गए तुम, काम की चीज है, इन्हें अस्पताल लेके जाओ और पूछो कि बच्चा भैया ने धन कहाँ छुपा के रखा है। नहीं बताए तो दो और छेद कर देना साले में। जी क्यों माधुर साहब, अब कानपुर जैन की सांस ले पाएगा। छुटकारा दिलवा दिया भाई तुमने इस पापी से। थोड़ी दिन की छुट्टी चाहिए, पत्नी को बाहर ले जाना चाह रहे हैं, आपको दाव बनाएंगे। क्यों तिवारी जी, इस काम में कितना समय लगेगा? सर जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही। और चौबे जी, केस हमारा हो तो? इन दिस केस तो ऑल केसेस आर सेम सर। इन दिस केस ऑल केसेस आर सेम सर। कमाल करते हो यार चौबे जी। अबे साले आंखें खोलो, हम तुम्हारे पापा हैं। और हम तुम्हारे पापा के पापा हैं दादाजी। ओए, ये तो बिल्कुल अपने नाने पे गया है। हाँ। नाना? अरे रज्जू के पापा। कमाल करते हैं यार मास्टर जी, डराई दिया आपने हमें। अच्छा बेटा,
आपका कॉम्प्लीमेंट इसे भी पसंद नहीं आया? भैया जी एक फैमिली फोटो। अबे तू? भैया जी स्माइल। स्माइल का है बे, लाफ्टर लो।